नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर गुना जिले से है, जहां धनावदा थाना प्रभारी पर एक महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। लॉकडाउन के चलते हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता रिट पिटीशन फरियादी को सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्ट्रेट गुना में सुबह 10 बजे तहसीलदार गुना के माध्यम से पेश किया गया। महिला ने अपने बयान दर्ज कराए। महिला की बेटी का अपहरण हुआ था और थानेदार नीरज बिरथरे पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ गलत काम करने का आरोप लगाते हुए महिला न्याय पाने हाईकोर्ट की शरण में गई थी, जिसकी आज सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। महिला ने मीडिया के समक्ष कहा कि यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो नाबालिग बिटिया का DNA भी जाँच कराया जाए, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि थानेदार ने खुद को बचाने के लिए लाखों रुपए का प्रलोभन दिया है और समाज के लोगों द्वारा डराया धमकाया भी गया है। सर ने बोल ली थी, अब उसने मेरे को कल परोल के दिन 50,000 रुपया दे के गया। कौन दे के गया था? जगदीश और अजय सिंह और जो हरी सिंह। तो ये 50,000 रुपए आपको कहाँ दिए थे? मेरा घर पे दिया था। कितने दिलवाई थे? उसने दवा था बड़ा सामने, बड़े सामने। वो पैसे कहाँ है? अभी आपके पास है? दिखाइए। ये रखे बड़े साहब का नाम क्या है? बड़ा दरोगा जी। तो उसने किया, दिखाइए पैसे, दिखाइए। तो चुम्मा भाई के तू 50,000 रुपया दे के आ जाना और मेरा ब्याम दे देगी और 4.5 लाख रुपया फिर मेरे उसकी 4.5 लाख बाद में देंगे, बाद में दे दूंगी। तो मैं मेरे को पैसा नहीं चाहिए सर। मेरी लड़की से हरकत करी है नी, यही सजा मैं उससे लूंगा। तो आप सजा दिलाना चाहती हैं? अच्छा, जो पैसे आपको दिए थे वो अभी आपके पास मौजूद हैं? पास है पूरे पैसा। है कि महिला है आपकी, उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिसंबर के माह में उसकी लड़की गुमशुदगी हो गई थी। दौरान विवेचना लड़की को रिकवर्ड किया गया, तो रिकवर्ड करने के बाद महिला को कॉल किया गया थाने के द्वारा कि आपकी लड़की रिकवर्ड हो गई है। कौन सा थाना था? थाना धनावदा जी। जब लड़की रिकवर्ड हो गई तो महिला थाने गई, तो महिला से कह दिया गया कि आपकी लड़की के कोर्ट में स्टेटमेंट होंगे, उसके बाद आपको लड़की का पेंशन दिया जाएगा। लेटर ऑन जब वो महिला थाने गई, कोर्ट आई, तो उसको उसने अपनी लड़की को नहीं पाया गया, तो बाद में उसको बताया गया कि आपकी लड़की है ना ग्वालियर है, ग्वालियर जेल में बंद है। तब वो ग्वालियर गई तो उसको बताया गया कि आपकी लड़की यहाँ पे नहीं है। तो धन्नाव देखे किसी सिपाही द्वारा उनको बताया गया कि आपकी लड़की नारी निकेतन ग्वालियर में, तो तभी वहाँ जाके अपनी लड़की नारी निकेतन में जाके अपनी लड़की से मिली। तो उन्होंने उसको बताया कि वहाँ जब आप मुझे छोड़ के वहाँ पर आ गई थी, तो तब दरोगा जी ने थाने पर स्थित कमरे में मेरे संगे दो बार गलत काम किया था।